बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपके इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से ये एमसीक्यू समझ लिए तो यकीन आपके बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यू आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो देखें, हम शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, इफ़ लॉग बेस एक्स 81 इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज इक्वल टू। आपने इसका एक्स, ये जो लॉग के साथ बेस दी हुई है एक्स, ये इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चैप्टर 3 से एमसीक्यू लिया हुआ है। चैप्टर 3 में इस तरह का एक लॉ था आपके पास, कौन सा लॉ था, लॉग एक्स एम इज इक्वल टू ए। अगर ये होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें लॉग की जो बेस होगी एक्स और इज इक्वल टू के बाद जो होगा वो आप इस वाले एक्स की पावर बना दें। इज इक्वल्स टू लॉग के साथ जो लिखा होगा वो आप यहाँ लिख दें। तो यहाँ क्वेश्चन आपके पास क्या है, लॉग एक्स 81 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या था m, तो हमने इज इक्वल्स टू के बाद लिख दिया था, यहाँ ये यह क्या है 81, तो इसको इज इक्वल्स टू के बाद लिख दें। और यहाँ क्या है, यहाँ देखें x है तो x, और ये जो इज इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ है ये हमने इसकी पावर बना दी। अब हम यहाँ पर फिर या तो फिर इसका एक्सपोनेंट सेम करते हैं या फिर इसकी बेस सेम करते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है 4, हम इसका भी आसानी से 4 बना सकते हैं। अगर मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा 81। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। तो अब इन दोनों का देखें एक्सपोनेंट सेम हो गया। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाता है तो हम बेस को भी इक्वल कर देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है 3। अब सेकेंड एमसीक्यू आपके पास, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। अब पैरेललोग्राम आपके पास किस, इस ये आपके पास क्या है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की का हर एंगल आप देखें तो हर एंगल किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो अगर आप इसको प्लस करें 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 तो किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री। अगर यहाँ पर ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल आता है 180 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड एमसीक्यू आपके पास, द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x इज। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपने पहले इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इनके पहले कॉमन, इनके पहले फैक्टर बना लें आप, 9x² का फैक्टर बनाए 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, x² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह से अगर मैं 15x का निकालूँ तो 3 5 जा 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और x एज इट इज़। अब इसमें देखें कॉमन कौन से हैं, एक तो ये वाला 3 कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर इसके हैं आपके पास 3 और एक्स, 3 और एक्स। और आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, एक ये वाला 3, एक 5 और एक ये एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपके पास आ गए नॉन कॉमन फैक्टर, ये आ गए कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, एक्स एक्स का एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर। तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया 45x². अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, यहाँ पर 24x² 45x², तो देखें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है 45x². नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलीनोमियल इज। अब आपने इसकी डिग्री फाइंड करनी है, किसी भी पॉलीनोमियल की, किस टर्म की, जो अगर डिफरेंट टर्म्स होंगी उन टर्म्स में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलीनोमियल की क्या होती है डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह से होता एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो इस वाली टर्म की पावर क्या है 1, इस टर्म की पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या है 2, तो इस वाले पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो अब इसमें देखते हैं इसकी आपके पास डिग्री क्या है, यहाँ पर क्या है आपको गिवन है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस
बी का होल क्यूब और यहाँ पर भी आपके पास क्या है क्यूब। अब देखें इसको पहले आप सिंपलीफाई कर लें, ये स्क्वायर रूट है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या आपके पास क्यूब, तो इसको आपके इस तरीके से लिख सकते हैं। जब मैं ये वाला साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा 1/3। तो इस अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। अब यही टर्म बन गई जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है बी, तो अब बी की पावर क्या है 1 और ए की पावर क्या है स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। तो आप देखें ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है, 1, 3, 2 इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4। सॉल्यूशन सेट का मतलब आपने जो यहाँ पर वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर वेरिएबल है y माइनस 3, तो इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आपको पहले मॉड हटाना पड़ेगा। तो याद रखें जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल का आप क्या करते हैं मॉड हटाते हैं, देखें y माइनस 3 मॉड इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो जब भी यहाँ पर मॉड आता है तो मोड हटाकर आप y माइनस 3 ये वाला मोड आपका दूसरी तरफ प्लस माइनस की फॉर्म में लग जाता है। तो आप जब मोड हटाएंगे तो y माइनस 3 को आप यहाँ पर माइनस 4 एक बार आप इसको प्लस में लिखेंगे और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक बार आप इसको क्या लिख देंगे माइनस में, ठीक है। जब भी मॉड का साइन हटता है तो इज इक्वल्स टू के बाद वाली जो टर्म होती है उसको एक बार पॉजिटिव में लिख देते हैं, एक बार नेगेटिव में लिखते हैं, लेकिन ये तब होता है जब इज इक्वल्स टू के बाद पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पर देखें इज इक्वल्स टू के बाद क्या है नेगेटिव नंबर, तो सिंपली आप एमसीक्यू उसके लिए याद रखें कि जब मॉड का क्वेश्चन आए और इज इक्वल्स टू के बाद माइनस वाली टर्म आ जाए तो इसका सिर्फ आंसर क्या होगा नल सेट, इसका आंसर क्या आएगा नल सेट, इसका सॉल्यूशन सेट में कोई टर्म नहीं आएगी। अगर y माइनस 3 के साथ कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको इस तरह से दिया होता y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पर लिख दें प्लस 9, ओके 5 माइनस 4 ये होता, तो यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म देखकर डायरेक्ट आप इसका नल सेट नहीं करोगे, आप पहले यहाँ पर इज इक्वल्स टू के बाद इज इक्वल्स टू से पहले सिर्फ आपका मॉड वाली टर्म आनी चाहिए, यहाँ पर प्लस 5 एक्स्ट्रा है तो इसको उस तरफ भेज कर आप इसको करेंगे। देखें यहाँ पर 5 माइनस 3 का मॉड इज इक्वल्स टू माइनस 4, प्लस 5 को शिफ्ट करें यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9, अब भी क्या है नेगेटिव में, तो अब भी इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ जाता आपके पास तो फिर आप इसको उस तरीके से करते हैं मॉड हटाकर इज इक्वल्स टू के बाद पहले एक दफ़ा प्लस में लिख देते, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास ये बस शॉर्ट एक है कि इज इक्वल्स टू के बाद अगर माइनस आ जाए तो सिंपली सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा नल सेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज, सप्लीमेंट्री जब भी सप्लीमेंट्री आएगा तो सब एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो कौन सा एंगल होता है सप्लीमेंट्री, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है 180 डिग्री। अगर यहाँ पर आता कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है, अगर हम दो या दो से ज़्यादा किसी भी एंगल को अगर हम ऐड करें और सम हमारे पास अगर 90 डिग्री आता है तो वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर यहाँ पर होता कॉम्प्लीमेंट्री तो आप 90 करते, यहाँ सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिसका सम करके 180 आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 180। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये चैप्टर 4 एमसीक्यू लिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सिंपली कोई और फार्मूला नहीं है, लेकिन ये 2 इस तरह का आपने एक चैप्टर 4 में फार्मूला पढ़ा होगा, देखें 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये आपका पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 है इसको बाद में आप शिफ्ट कर देंगे उस तरफ, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करना है
टू एज इट इज रहने दें, ए प्लस बी की आपको वैल्यू दी हुई है थ्री, थ्री का स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी की आपको क्या वैल्यू दी हुई है वन, वन का स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, थ्री ज़ा नाइन, नाइन प्लस वन का स्क्वायर वन, नाइन प्लस वन टेन, और यहाँ पर टू है, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड करें टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फाइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखें क्या होगा, टू थ्री माइनस वन फाइव, फाइव इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपने बस फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू डाली और इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आपके पास आंसर आ गया। इस वाले एमसीक्यू के लिए आपको फॉर्मूला लाजमी याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ओके इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पर, बस आपके पास रूट है और रूट के अंदर वाला जो सिंबल है इसका बोला हुआ है और रूट के बाहर वाला जो है इसका आपको पूछा हुआ है। तो आप याद रखें जब भी रूट के अंदर, जैसे ये एक्स है यहाँ पर वाई, तो इस वाले अंदर वाले को आप क्या बोलते हो रेडिकेंट, इसको क्या बोलते हो रेडिकेंट, और ये जो बाहर होता है इसको आप क्या बोलते हो इंडेक्स ऑफ रूट। तो यहाँ पर किसका पूछा हुआ है, वाई इज कॉल्ड ऑफ द रूट, वाई का पूछा हुआ है, तो वाई क्या है इंडेक्स। तो ऑप्शन देखें रेडिकेंट क्वांटिटी इंडेक्स, इंडेक्स इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स का पूछा होता तो फिर आप क्या करते रेडिकेंट लिखते, लेकिन यहाँ पर वाई का पूछा हुआ है तो इंडेक्स आपका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, ए की होल पावर वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय 36 की होल पावर है वन अपॉन टू। तो अब देखें इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एट की होल पावर आपके पास है वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय 36 की होल पावर क्या है वन अपॉन टू। तो अब यहाँ पर देखें पावर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है थ्री, तो आप इस एट को इस तरह ब्रेक करेंगे कि किसी ऐसा नंबर आप लें जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता हो। तो देखें टू को अगर मैं थ्री टाइम मल्टीप्लाई करूं तो एट बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी होल पावर क्या है वन अपॉन टू, तो आपने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको टू टाइम मल्टीप्लाई करके 36 बनता हो, तो सिक्स सिक्स ज़ा 36, सिक्स का स्क्वायर, 36 की जगह मैंने क्या लिख दिया सिक्स का स्क्वायर, वन अपॉन टू एज इट इज़। अब ब्रैकेट के अंदर भी अगर पावर होगी, ब्रैकेट के बाहर भी, तो वो सिंपली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या बच गया टू, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया सिक्स, टू सिक्स ज़ा 12। तो देखें इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 48 12 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब आपने सिंपली बस ये बात याद रखनी है कि किसी भी अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए का ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ, डिटर्मिनेंट को इससे शो करते हैं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो उसको आप क्या बोलते हो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो क्या होता है नॉन सिंगुलर, वो क्या होता है नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th एमसीक्यूज है आपके पास, इफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्स इज इक्वल्स टू। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर देखें एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो या तो फिर हम एक्स माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल लेकर चल सकते हैं या फिर एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो, दोनों एक वक्त में ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो हम बीच में एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा या फिर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो देखें एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस टू, ज़ीरो प्लस टू टू होता है, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई टू, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री है, प्लस थ्री को दूसरी तरफ ले जाएँ तो माइनस थ्री बन जाएगा, तो एक्स की सेकेंड वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सॉल्यूशन सेट क्या आएगा टू कॉमा माइनस थ्री, या फिर माइनस थ्री पहले आता है तो माइनस थ्री कॉमा टू, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है माइनस टू माइनस थ्री, तो यहाँ पर आपके पास थ्री के साथ माइनस आ रहा है, टू के साथ माइनस नहीं आ रहा, तो देखें टू माइनस थ्री ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट है। ठीक है,
द सेट इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, अब आपने क्या बताना है कि ये क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अब क्लोज्ड की आपको पहले प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्लोज्ड होता क्या है, किस तरह से हम क्लोज्ड देखते हैं। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सेट आपको दिया हुआ है, रियल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, तो इस रियल नंबर से हम क्या लेंगे, कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया ए कॉमा बी, और वो भी किससे बिलोंग करता हो, इसी सेट से ही बिलोंग कर रहा हो, तो उस ए कॉमा बी यानी ए और बी को हम अगर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता हो, फॉर एग्जांपल सी मेरे पास आंसर आया, तो वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से हमने ये दो एलिमेंट लिए। तो अगर इसका आंसर उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है। अगर इसको ऐड करूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो फिर जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी इसी से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन करूँ तो जो आंसर आएगा वो भी इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगी कि इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको ये सेट दिया हुआ है, क्या सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब आपने क्लोज बताना है, तो इसमें से कोई से भी आप दो एलिमेंट ले लें, कोई से भी आप दो एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 1 और 3 लिया, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 वन ज़ा 3, ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैंने 3 और 5 को कोई और दो एलिमेंट लेकर चेक कर लें, 3, 5 ज़ा 15, तो 15 भी ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 7 तक तो नहीं है, कंटिन्यू है, तो सारे 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं इसमें, तो 15 भी ऑड नंबर है, तो ये भी इससे बिलोंग कर रहेगा। 5, 7 ज़ा 35 भी ऑड नंबर है, वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब अगर एडिशन करके हम चेक करें, 3 प्लस 1 क्या बनता है, 4, तो 4 जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज नहीं है, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट से क्लोज है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और सेट दिया होता, वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज नहीं होता, तो आप एडिशन करके चेक करते, सब्ट्रैक्शन करके चेक करते, डिवाइड करके चेक करते, कोई से भी दो एलिमेंट्स को लेकर चेक करना है, जो थर्ड आपका आंसर आएगा वो भी इसी से ही बिलोंग करना चाहिए, वो होता है क्लोज्ड। अब नेक्स्ट आपके पास डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ, तो आप देखें डायमीटर क्या होता है, कोई सा भी सर्कल लें आप, सर्कल लें, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है ये, ठीक है। तो अब जो है अब सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है आपके पास रेडियस, ये क्या होता है रेडियस। अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, मतलब यहाँ से भी ये वाला रेडियस भी ले लूं, तो ये आपके पास ये पूरी जो सेंटर से लाइन पास हो रही होती है, इसको आप क्या बोलते हो, डायमीटर, इसको क्या बोलते हो, डायमीटर। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखती सेंटर से बाउंड्री तक, तो ये होता है रेडियस। अगर सेंटर से पूरी लाइन जो पास हो रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पर आपसे बोला हुआ है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ, तो डायमीटर किसका ट्वाइस है, रेडियस का, तो रेडियस इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब आप नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू 14 एमसीक्यूज है आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करके आपने देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी आपके पास, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अलग करूँ, 1 यहीं पर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किस तरफ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2, तो 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कॉस थीटा, और कोई ऑप्शन कॉस थीटा नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन इज आपका करेक्ट है। अब 15 वाला एमसीक्यू है, 3 की होल पावर क्या है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसी भी नंबर की याद रखना, किसी भी नंबर की होल पावर अगर ज़ीरो होगी, अगर वो होता x की पावर 0, वो भी किसके इक्वल आता, 1, a की पावर 0 किसके इक्वल आता, 1, किसी भी नंबर की अगर पावर लें तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये छोटा सा प्रूफ भी है, अगर मैं ले लूँ x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैं 0 की जगह इस तरीके से लिख सकती हूँ x की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अगर एक साइड को लेकर चलें, x की पावर 0, अगर मैं 0 की जगह लिख दूँ 1 माइनस 1 भी क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x की पावर 1 डॉट x की पावर माइनस 1, क्योंकि दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बेस सेम होती है तो फिर पावर ऐड होती है, तो ये बेस सेम है, जब भी तो बेस एक बार लिखी और पावर इसकी ऐड हो गई है। तो अगर मैं इसको वापस से बैकवर्ड प्रोसीड करूँ तो ये क्या हो जाएगी, 1 इसके ऊपर भी आ जाएगा, माइनस 1 इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो देखें अब ये माइनस 1 है, माइनस 1 को प्लस 1 करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, x की पावर माइनस 1 नीचे जाएगी तो 1 बन जाएगी, x की पावर 1 से x की पावर 1 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 1। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि x की पावर 0 इक्वल होता है 1। तो इसी तरीके से कोई भी अगर नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी इज मल्टीप्लीकेटिव। याद रखना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है और वो इक्वल आए आपके पास 1 के, इक्वल आए आपके पास 1 के। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया a और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया a स्टेरिक्स है, तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये जो a स्टेरिक होगा, ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स की बात होती तो फिर हम क्या करते, a को इस कोई किसी ऐसे नंबर से ऐड कराना है कि आपके पास 0 आए, एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। अब a माइनस बी को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि 1 आए। अब चेक करेंगे हम बारी बारी, फर्स्ट वाला देखें, चेक करें a प्लस बी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करें 1 आ रहा है या नहीं। a स्क्वायर a b प्लस a b, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, इसके सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है या नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी आपके पास 1 नहीं आएगा, ठीक है। a स्क्वायर वो तो और बढ़ जाएगा। तो थर्ड वाले एमसीक्यू देखें, हमें लग रहा है कि इससे शायद 1 आ जाए, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, थर्ड वाले एमसीक्यू देखें, 1/a - b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे इस तरीके से 2 × 1/2 लिखा होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ऐसे यहाँ पर मैं a - b से a - b कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ गया, 1। तो देखें 1 a - b को 1/a - b से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसका क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एडिटिव इनवर्स पूछा होता तो आप उन दोनों को ऐड कराते और आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, 10θ / sin θ = 10θ / sin θ। आपने इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एमसीक्यू है, आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। 10θ, अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 10θ / sin θ को 10θ डिवाइड हो रहा है किससे, sin θ से, ठीक है। 10θ का आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10θ = sin θ / cos θ। 10θ का फॉर्मूला क्या होता है, sin θ /
कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। अब जब भी डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके राइट साइड वाली फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर देते हो, उसके नीचे कुछ नहीं है यानी वन है, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर क्या बन जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा के, सेक थीटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, कॉस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, x की होल पावर 4 प्लस 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। अब यहाँ पर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो याद रखें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखें x की पावर 4 प्लस 64, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये क्या है a, इसको बोल लूँ ये b है, तो देखें यहाँ पर बीच वाली टर्म मिसिंग है, 2ab वाली टर्म मिसिंग है, तो देखें ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 2ab अभी एज इट इज़ रहने दें, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो 8 8 ज़ा 64, 8 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी बन गया ये वाली टर्म, ये बी स्क्वायर, ये वाली टर्म भी बन गई बी स्क्वायर, ए भी रहता है, तो ए यहाँ पर ये रहा ए और ये रहा बी, तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा, 8, बी की जगह क्या आ जाएगा, 8। अब बीच वाली टर्म मिसिंग थी, और बीच वाली टर्म आपके पास क्या है, 2 8 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, बीच वाली टर्म क्या है आपके पास, 16 एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास, अगर आप इस वाले परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में 16 एक्स स्क्वायर को ऐड कर दें, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 16 एक्स स्क्वायर को ऐड करने से बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, ए अपॉन स्क्वायर रूट ए, ए अपॉन स्क्वायर रूट ए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ए से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें ए अपॉन स्क्वायर रूट ए, ये आपके पास गिवन है, ये वाला एमसीक्यू आपके पास क्या गिवन है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ए। तो अब आप कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए नहीं आना चाहिए, तो आप इसी को इसी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ए स्क्वायर रूट ए को मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट ए, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो हम एक बार स्क्वायर रूट लग देना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए अंदर आ गया, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए इज आ ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर रूट ए, और नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, ए, ए से ए कैंसिल, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट ए। तो देखें ए वन अपॉन स्क्वायर रूट ए, ये रहा स्क्वायर रूट ए, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00234। अब आपने इसका करेक्टरिस्टिक बताना है, तो करेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें 0.00234 ये आपके पास, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, दो नॉन ज़ीरो नंबर, तो देखें ये तो 0.00000 के बीच में पॉइंट आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो नंबर कौन से हैं, 2 और 3, तो यहाँ इसके सेंटर में आपका पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट होना है। तो और राइट साइड पे, जब भी आप राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। जब भी आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो साइन कौन सा आएगा, करेक्टरिस्टिक के लिए प्लस का साइन आएगा। तो आप किस साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आंसर, क्या साइन लगेगा, माइनस, और कितने नंबर आगे जा रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपके पास, -3। ठीक है, तो अब देखें ऑप्शन कौन सा ठीक है, 2 -2 3 -3, ये -3 लॉग में हम ऊपर लगा देते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट है।
द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज कार्टिजन प्रोडक्ट. याद रखना, कार्टिजन प्रोडक्ट के नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट. किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को. तो ए कार्टिजन प्रोडक्ट किससे शो करते हैं, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी. तो ये आपको याद होना चाहिए कि कार्टिजन प्रोडक्ट अगर किसी भी सेट का लूँ तो उसको किसके किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से. अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो कौन सी साइड, वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल. कौन सा, आइसोसेलस. अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई साइड इक्वल नहीं होती, कोई साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल. कौन सा, स्केलन ट्राइंगल. अगर टू साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की तो आइसोसेलस, और अगर यहाँ लिखा होता 90 डिग्री से कम एंगल है तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्राइंगल. अगर एंगल जो होता 90 डिग्री से ज़्यादा होता तो हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. लेकिन यहाँ पर टू साइड इक्वल बोला हुआ है तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इसको आइसोसेलस ट्राइंगल. अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, इफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज. आपने इसमें सिंपली बस ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसमें आप एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू को पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे. तो देखें आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई. तो इसका इसमें आप बस वैल्यू पुट करें. आपको क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन. एक्स की जगह वन लिख दें, जहाँ पर वाई है उसकी जगह भी वन लिख दें, प्लस वन वन, वन माइनस वन, ये दोनों वन वन सेम है, साइन अपोजिट है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, वन वन जा वन. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, वन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड. अब बोला हुआ नॉन कॉलिनियर. कॉलिनियर कौन सी होती है, अगर किस कोई भी रे आ रही है और उसके सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाए करते हो तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर. लेकिन इन्होंने बोला हुआ नॉन कॉलिनियर, और कितनी रेज हैं, टू रेज हैं. तो दो रेज हैं और इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट आ कॉमन पॉइंट, इनका जो एंड पॉइंट है एक पॉइंट वो क्या है, कॉमन है. तो हम दो रेज बनाएंगे. देखें मैंने दो रेज बनाई और इन दोनों का एंड पॉइंट कॉमन कर दिया, कॉमन. इन्होंने इसमें बताया हुआ था कि कॉमन है, ठीक है कॉमन है. और नॉन लीनियर मतलब इसका एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इस और दूसरी वाली रे का यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है. ये वाले पॉइंट इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट से ये नॉन कॉलिनियर है. अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट तो कॉलिनियर है लेकिन ये वाले पॉइंट नॉन कॉलिनियर है. तो इन्होंने यही बोला हुआ था कि यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज. तो ये देखें नॉन कॉलिनियर है ये, ठीक है, और कॉमन एंड पॉइंट है. ये देखें इनका पॉइंट कॉमन है. तो ये क्या बन रहा है आपको, एंगल नज़र आ रहा है, ये क्या बन रहा है, एंगल. एंगल को भी आप इससे ही शो करते हो, ठीक है, एंगल को भी आप इसी से ही डिनोट करते हैं. तो ये कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, एंगल. अ सेट विद कंटेन एन एलिमेंट्स इट्स पावर सेट कंटेन सब सेट. तो जब भी हम सब सेट निकालते हों किसी भी सेट का, अगर हमें सब सेट निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सेट होता है ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री और आपको इसके सब सेट बनाने हैं तो आपको क्या पता कि इसके कितने सब सेट बनेंगे. तो सब सेट निकालने के लिए इसके वो जो सब सेट का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट. इसको इससे डिनोट करते हैं पी और ऑफ ए. तो पावर सेट का फॉर्मूला होता है टू की पावर एन. तो टू की पावर एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स हैं तो टू की पावर थ्री इज इक्वल्स टू एट. तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सबसेट आ जाएंगे, एट सबसेट. तो सबसेट निकाल सबसेट का अगर मैं एक बड़ा सेट बना दूँ उस सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट. क्या बोलते हैं, पावर सेट. तो पावर सेट के अंदर जो सबसेट आते हैं वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम निकालते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है, टू की पावर एन. तो यहाँ पर देखें टू है, एन स्क्वायर है, एन है टू की पावर एन. तो ये ऑप्शन आपका ठीक है. अब आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बोर्ड के एग्जाम के लिए. थैंक यू.